हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आज हम लोग अपनी सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। आपको पिछली दो वीडियो मिल चुकी होंगी, उसमें आपने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट से लेकर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को आपने सीखा होगा। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएँ हैं। ठीक है, आइए फिर क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें। ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, आपसे सवाल ने यह बताया कि ए की कार्य क्षमता बी से कितना 30% अधिक है। आप देखें कि ये ए है और ये बी है। आपसे कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 30% अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी कार्य क्षमता इस पर डिपेंड है। इस पर डिपेंड है तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा इसकी कितना है। हालांकि पता नहीं है कुछ, तो हम लोग क्या करें, इसी का कुछ अपने से मान लेते हैं कि ए की कार्य ये सॉरी बी की कार्य क्षमता कितना 100 है, तो ए की कार्य क्षमता इससे 30% ज़्यादा है। अगर इससे 30% ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 130। ये किसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, एक की। आप चाहें तो इसको एक एक जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता 13 यूनिट और बी की कार्य क्षमता कितना, 10 यूनिट। आप इस प्रकार से कह सकते हैं। सवाल ने आपसे कहा है कि ए अकेले किसी कार्य को कितना 23 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको टोटल वर्क पता करना है, टोटल वर्क कैसे आप निकालेंगे, तो आप यही कहेंगे कि ए की कार्य क्षमता 13 यूनिट है। कितना है, 13 यूनिट, यानी प्रतिदिन व्यक्ति ए 13 यूनिट का काम करेगा। और इस तरीके से कितने दिनों तक काम किया है, 23 दिनों तक काम किया है। तो एक दिन में अगर 13 यूनिट का काम कर रहा है तो 23 दिनों में कितना काम करेगा, 13 × 23, इतना यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कार्य को दोनों व्यक्ति मिल के कर रहे हैं, तो आप बताएं ए कितना करेगा, 13 यूनिट, और बी कितना करेगा, 10 यूनिट। अगर दोनों व्यक्ति मिल के काम करेंगे तो इसका मतलब प्रतिदिन कितना काम हो पाएगा, 13 यहाँ से 10 यहाँ से, यानी 23 यूनिट का। तो इसका मतलब ए और बी मिलकर अगर कार्य को करें तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, 13 × 23 इन दोनों का योगफल कितना, 23। या 23 से 23 कैंसिल आउट और आया आपका कितना, 13 दिन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 13 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर तुरंत आ रहा है। आप इसको पहले एक बार देखेंगे, अपने से करने की कोशिश करेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहें तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें। इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। ठीक है, आप देखिए इस सवाल में कैसे आपको बताया गया है, क्या बताया गया है। देखिए, हम लोगों को बताया गया कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से कितना, 60% अधिक है। आप ये समझें कि ये ए है, ये बी है। हमको एफिशिएंसी बताया है कि बी की एफिशिएंसी ए से कितना, 60% अधिक है। अगर हम ए का कुछ मान लें या अपने से 100 मान लेते हैं तो बी की कितना होगा, 60% ज़्यादा, यानी कितना, 160 होगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बन गया, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसको काट भी सकते हैं या ना काटें, कोई दिक्कत नहीं। अगर काटना चाहें तो 0 से 0, 2 से 5 बार और 2 से कितनी बार, 8 बार। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्रतिदिन 5 यूनिट का काम करेगा और बी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 8 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। सवाल ने आपसे पहले ही बताया है कि ए काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए आप देखें कि ए की कार्य क्षमता 5 यूनिट, यानी प्रतिदिन व्यक्ति एक
5 यूनिट का काम करेगा, और अगर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है तो आप बताएं कि एक दिन में 5 यूनिट काम किया और 12 दिनों तक काम करेगा, तो 12 दिनों तक काम करेगा तो कितना करेगा, 12 × 5 = 60, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट का टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 60 यूनिट काम को कौन करना चाहेगा, व्यक्ति बी। तो अगर आप बी से काम कराना चाहेंगे तो बी कितना समय लेगा, आप बताएं कि व्यक्ति बी प्रतिदिन कितना काम करता है, 8 यूनिट, और कितना काम इससे करवाना है, 60 यूनिट का, यानी व्यक्ति बी अगर काम करेगा तो 60 बटे में कितना, 8, आपने इसको कैंसिल आउट किया तो 4 से 2 बार और 4 से कितनी बार, 15 बार, यानी कितना, 2 से 7 बार, 7 से ही 1/2, कहने का मतलब ये हुआ कि 7.5 दिनों में व्यक्ति बी कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, सवाल बहुत सरल है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सेम इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आप चाहें तो अपने से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको फिर से बता रहा हूँ किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को कितने दिनों में, 6 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, बी की कार्य क्षमता ए से कितना, 25% अधिक है, तो आप ये समझे कि ये बी की कार्य क्षमता ए से 25% ज्यादा है, तो हम इसी को मान लेते हैं कितना, अपने से मान लेते हैं 100 यूनिट, तो एक बी की कार्य क्षमता कितना होगी, ए से 25% ज्यादा, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, बी की कार्य क्षमता ए से 25% ज्यादा है, तो आप चाहें तो 25 से 4 बार और 25 से कितनी बार, 5 बार, इस तरीके से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आप बताएं कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, ए की एफिशिएंसी कितना, 4, और बी की कितना, 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो आपको कई बार बताया, फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं कि ए प्रतिदिन 4 यूनिट का काम करेगा और बी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 5 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, फिर आपसे ये कहा है बी कितने समय में उस काम को खत्म करेगा, तो मुझे एक बात बताइए कि ए की अगर कार्य क्षमता 4 यूनिट है और यह किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर लेता है, तो इसका मतलब यह है कि 4 दिनों तक ये काम, टोटल वर्क, प्रतिदिन 4 यूनिट का काम कर रहा है और कितने दिनों तक काम किया है, सवाल ने बता रखा है कितना, 6 दिनों तक, तो इसका मतलब 4 और 6 का गुणा करा दिया जाए तो 24 यूनिट, इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। अब इस 24 यूनिट के काम को कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो बी कितने दिनों में कर पाएगा, आप ऐसे बताइएगा कि ये 24 यूनिट टोटल वर्क है और इसकी एफिशिएंसी कितना है, प्रतिदिन 5 यूनिट काम करेगा, और जब प्रतिदिन 5 यूनिट का काम करेगा तो 24 यूनिट काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ध्यान से देखिए, 5 से 4 बार जाएगा, 5 × 20, 4 से ही 4/5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये आपके सवाल का आंसर दीजिए, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं उसी टाइप का, ये भी क्वेश्चन है, देखें आपसे ये कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, ये कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो बी उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है, आप देखें कि ए की कार्य क्षमता, ए किसी काम को बताया गया है कितने दिनों में, 9 दिनों में कर लेगा। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में। आगे आपसे कह रहा है कि यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ये जो बी है इसकी कार्य क्षमता इससे 50% अधिक है, तो आप ये समझें कि इसको हम 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 50 से 2 बार कैंसिल आउट, ये कितना, 3 बार जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ए प्रतिदिन 2 यूनिट और बी प्रतिदिन कितना, 3 यूनिट का काम करता है। तो आप बताएं कि अगर यहाँ पर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे कि ए प्रतिदिन 2 यूनिट का काम करता है और इसने कितने दिनों तक काम किया है, तो सवाल ने बताया है कि 9 दिनों तक। ठीक है, तो 9 दिनों तक इससे काम आप करवाएंगे तो कितना काम करेगा, 9 × 2 = 18 यूनिट, कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क कितना हो गया, 18 यूनिट का। ठीक है,
तो अब आपसे पूछ रहा है कि बी इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो अगर बी के विषय में बात करें तो बी के विषय में जानकारी मिलती है कि प्रतिदिन ये कितना 2-3 यूनिट का काम करता है और काम इससे कितना करवाना है 18 यूनिट का। ठीक है, तो इस प्रकार बी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, 18 बटे में कितना 3, यानी ये कितना देगा, 6 दिन। इस प्रकार से अगर व्यक्ति बी की बात किया जाए तो व्यक्ति बी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को एक बार कहें तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। आप देखें कि ए की कार्यक्षम, सवाल ने बताया है कि ए किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर रहा है और आगे आपसे कह रहा है कि यदि बी की कार्यक्षमता ए से कितना 50% ज़्यादा है या अधिक है। तो आप देखें कि अपने से ही आप मान लीजिए बी ए की कार्यक्षमता 100, तो बी की कार्यक्षमता कितना इससे 50% ज़्यादा, अर्थात कितना 150 हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे जो भी मान ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 50 से 2 बार कटेगा और ये 50 से कितनी बार, 3 बार कटेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क की अगर हम लोग बात करें तो ए प्रतिदिन 2 यूनिट का काम करता है और इसने कितने दिनों तक काम किया है, 9 दिनों तक। और जब 9 दिनों तक काम किया है तो 9 दिन में कितना करेगा, 18 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो अब इस काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि बी के लिए पूछा जा रहा है। तो 18 यूनिट का काम बी, क्योंकि प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है इसलिए 3 से डिवाइड कराया तो कितना दिया ये, 6 दिन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, आप देखें अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है। कितना है, ए की कार्यक्षमता बी से दोगुनी है तथा बी की कार्यक्षमता सी से दोगुनी है। ठीक, बस आप पहले इतना ही देखें उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ए की कार्यक्षमता, ये बी की कार्यक्षमता, ये सी की कार्यक्षमता। सवाल ने आपसे कहा कि ए की कार्यक्षमता बी से कितना दोगुनी है। ठीक है, तथा बी की कार्यक्षमता सी से दोगुनी है। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी कार्यक्षमता इस पर डिपेंड है और इसकी कार्यक्षमता इस पर डिपेंड है। तो हम इसी को मान लेते हैं कि सी की कार्यक्षमता 1 यूनिट, इसका 2 गुना करेंगे तो किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा। अब बी का 2 गुना कौन है, ए। अगर बी 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ए बी सी तीनों की एफिशियंसी का रेशियो आपको मिल गया। अब सवाल में आगे आपसे ये बता रहा है कि यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ए तथा बी। आप मुझे एक बात बताइए कि ए अगर प्रतिदिन काम करेगा तो 4 यूनिट और बी प्रतिदिन काम करेगा तो 2 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो 4 × 2 कितना, 6 यूनिट। ए और बी प्रतिदिन 6 यूनिट का काम करेंगे और 4 दिनों तक काम किए हैं। कितने दिनों तक काम किए हैं, 4 दिनों तक। और जब 4 दिनों तक काम किए हैं तो 4 दिनों में कितना काम करेंगे, तो ये आपका टोटल वर्क बन जाएगा कितना, 24 यूनिट का। ए और बी मिलकर के कितना काम करेंगे, 24 यूनिट का। ठीक है, तो ये आपका हुआ टोटल वर्क। ठीक है, तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति सी उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सवाल में बताया गया या आपने निकाला कि व्यक्ति सी की कार्यक्षमता कितना, 1 यूनिट, और कितना काम इससे करवाना है, 24 यूनिट का काम करवाना है। तो इस प्रकार से व्यक्ति सी अगर काम करेगा तो प्रतिदिन 1 यूनिट का काम कर रहा है और 24 यूनिट काम करवाएंगे तो 24/1 करेंगे तो ये कितना देगा, 24 दिन। ठीक है, इसका मतलब व्यक्ति सी उसी काम को अगर अकेले करेगा तो कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, 24 दिनों में कार्य को समाप्त कर पाएंगे। सवाल बहुत अच्छा था, आज के लिए बस यही इतना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से।